हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज में कैसे अपना मोबाइल नंबर चेंज और अपडेट करना है, यही इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जीमेल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले नेम का कॉलम लिखेंगे, उसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। फिर यहाँ पे आपको स्पेस देके ओल्ड नंबर का कॉलम लिखना है, या फिर नंबर का भी कॉलम लिख सकते हैं। और उसमें आपको अपना पुराना वाला नंबर डालना है जो ऑलरेडी आपका है फ्री चार्ज में। फिर यहाँ स्पेस दे के रिक्वेस्ट का कॉलम लिखेंगे। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको भी सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे प्लीज़ चेंज माय मोबाइल नंबर इन फ्री चार्ज। ये लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस दे के आपको नीचे की तरफ लिखना है न्यू नंबर। न्यू नंबर के कॉलम में आपको वो वाला नंबर डालना है जो आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो ध्यान से अपना नया नंबर चेक करके आपको डाल देना है। फिर आपको ऊपर सब्जेक्ट के कॉलम में लिखना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में फ्री चार्ज की जीमेल आईडी डाल देना है। वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी और उसके एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। वहाँ से ईमेल आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तो यहाँ पे आपका नंबर चेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए ध्यान से अपना नंबर चेंज चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपना ईमेल सेंड करना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 48 आवर्स के बाद आपका नंबर चेंज और अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू अपना मोबाइल नंबर चेंज और अपडेट कर सकते हैं। किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये ऑप्शन वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन ट्राई करना है, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फ्री चार्ज के कस्टमर केयर से बात करना है। वहाँ पे आप बात करके नंबर चेंज और अपडेट करने का प्रोसेस पता कर सकते हैं। जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा वही आपको फॉलो करना है, और वहाँ से भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग ऑप्शन बताया है मैंने। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके आप अपना नंबर चेंज और अपडेट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।